हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जकी। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको दो दिन पहले एक न्यू F40 अपडेट दिया गया था इंडिया के अंदर। तो आज मैं इसका एक रिव्यू करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ इस अपडेट के बाद यहाँ पर कैसा काम कर रहा है अपना सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G, क्या इसमें न्यू इम्प्रूवमेंट हुए हैं और इसमें कौन से बग्स को फिक्स किया गया है, बैटरी ड्रेन कैसी है, लेट चार्जिंग इशू हो रही है कि नहीं, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग फोन में इस वाले अपडेट के बाद हीटिंग इशू आया है या फिर नहीं आया है। तो सब कुछ हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर सेटिंग में लेकर चलता हूं और यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट में लेकर चलता हूं और यहां पर आप लोगों को लास्ट अपडेट चेक करा देता हूं। यहां पर लास्ट अपडेट देख लीजिए, मैंने इस वाले अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है और यहां पर जो इस अपडेट का साइज मिलता है वो है 239 MB और सिक्योरिटी पैच लेवल आपको दिया गया है 1 जुलाई 2022 का। तो हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल चेक करेंगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं गाइस, इंस्टॉल करते वक्त फोन जो है वो हल्का सा वार्म हुआ है पीछे से। जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था तो फैन जो है वो नहीं चल रहा था, यानी कि रूम का जो टेम्परेचर था यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर ये जो फोन है वो अपडेट के दौरान वार्म कर गया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हीटिंग इशू तो बिल्कुल भी नहीं है। अपडेट के दौरान फोन जो है वो हल्का फुल्का गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का फोन ले लो और उसमें साफ मेंशन रहता है कि फोन जब अपडेट होता है हल्का सा वार्म होता है, तो उसे आप लोग चिंता ना करें। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हीटिंग इशू नहीं है। अब बात करते हैं अपडेट करने के बाद यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G काफी ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, कोई भी लैग नहीं है, कोई भी यहाँ पर हैंग वाली इशू जो होती है वो यहाँ पर मुझे नहीं देखने के लिए मिला। फोन एकदम स्मूथ मक्खन की तरह यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस अपना दे रहा है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एकदम पानी की तरह यहाँ पर हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं कह सकता हूँ इस वाले अपडेट के बाद सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर डी इंक्रीज नहीं हुआ है। परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है इस वाले अपडेट के बाद भी। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी ड्रेन की। इस वाले अपडेट के बाद फोन जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और बैटरी ड्रेन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इस वाले अपडेट के बाद जो है बैटरी ड्रेन हो रही है कि नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पर डेटा दिखा देता हूँ। चलते हैं यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर चले आएंगे हम लोग डिवाइस केयर में, उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर बैटरी में। बैटरी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो फोन है कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है मुझे। यहाँ पर मैंने जो जो यूज करा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 3 घंटे 12 मिनट मैंने यहाँ पर गेम खेला है, 36% ही यहाँ पर जो है यूज हुआ, यानी कि फुल्ली तरीके से मैं स्क्रीन ऑन टाइम था अपने सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में और इतना अच्छा मुझे बैटरी बैकअप देखने के लिए मिला। फिर मैं यहाँ पर 1 घंटा 21 मिनट YouTube देख रहा था और यहाँ पर मुझे 12% ही बैटरी ड्रेन देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ गाइस कि बैटरी ड्रेन तो इशू नहीं हो रही है। अगर आप लोगों के साथ बैटरी ड्रेन की इशू हो रही है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग उसको फिक्स कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर वाइज प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो यहाँ पर कुछ ऐसे एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल करके रख लिया होगा या फिर कुछ ऐसा सेटिंग कर लिया होगा जिसके कारण से बैटरी ड्रेन हो रही है आपके फोन में। अब बात करते हैं यहाँ पर लेट चार्जिंग की। तो सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में गाइस लेट चार्जिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है, जितना समय ये पहले लेता था उतना ही अभी भी ले रहा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की। तो मैं आप लोगों को बता दूं डे लाइट में तो काफी अच्छा आपको यहाँ पर पिक्चर क्लिक करके दे देता है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G, लेकिन गाइस अगर आप लोग नाइट मोड यूज करते हैं रात में तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कचरा आपको फोटो देखने के लिए मिल जाएगा। नाइट मोड मुझे नहीं लगता कब ये फिक्स होगा, नाइट मोड में बिल्कुल भी अच्छा पिक्चर क्वालिटी नहीं देता है आपका सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। अगर मैं कंपेयर करूँ IQ9SE से तो IQ9SE में आपको काफ़ी अच्छा नाइट में पिक्चर क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहता है, शार्पनेस रहती है और नॉइज जो है थोड़ा बहुत कम रहता है, लेकिन यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में आपको बिल्कुल भी कचरा पिक्चर क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है नाइट मोड के अंदर। तो मैं यहाँ पर सैमसंग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पर नाइट मोड के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट करके दिखाओ, क्योंकि नाइट मोड काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है नाइट में पिक्चर क्लिक करने के लिए। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों को गेम प्ले करके दिखा देता हूँ कितना FPS जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर में आपको FPS मीटर लगा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर FPS मीटर पे नजर जो है जमाए रखिए, आप लोग को पता चल जाएगा कितना FPS जो है वो इस वाले अपडेट के बाद जो है मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में।
बिल्कुल आपके फिंगर के सहारे पे जो है प्लेयर चलता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया गाइस कि आपको कितना अच्छा स्टेबल FPS जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 60 से 50 के बीच में जो है FPS मेंटेन रहता है और काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर गेम प्ले जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।